बारबाडोस के मैदान से लेकर भारत के हर शहर तक कुछ इस तरह से जश्न का सिलसिला चला। शुभ शनिवार और उसके साथ विश्व विजेता का त्योहार जब आया तो हर भारतीय खुशी से झूम उठा। मैदान पर मौजूद धुआंधारों की आंखों में खुशी के आंसू थे और गर्व से नाचते भारतीयों की जुबान पर था भारत माता का जयकारा। बारबाडोस के मैदान पर जो कुछ हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आमने सामने दो ऐसी टीमें थी जिन्हें जीत से कम कुछ भी कबूल नहीं था। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका जिन्हें फाइनल का चोकर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ थी टीम इंडिया जो कुछ ही वक्त पहले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी। अपने इतिहास के इसी चैप्टर को मिटाने के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरे थे। मैदान पर धुरंधर अपना दम दिखाने की तैयारी कर रहे थे तो मैदान के बाहर दुआओं का दौर जारी था। इंडियन मैं यही कहूंगा कि वर्ल्ड कप भारत के, और सबसे ज्यादा बात की रोहित के हाथ में ये वर्ल्ड कप देखने जाते हैं। अगर रोहित चाहते हैं वर्ल्ड कप देखने तो ज्यादा खुशी किसके लिए होगी ऐसे लग रहा है। फिर शुरू हुआ मुकाबला जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी चुनी। शुरुआती विकेट जल्दी गिरे लेकिन विराट कोहली, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहली पारी खेलते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। सबसे ज्यादा 76 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में धुआंधार 47 रन बनाए। शिवम दुबे का बल्ला रंग में आया और सिर्फ 16 गेंद में दुबे ने 27 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज और आर्निक नौकिया ने दो दो विकेट लिए, जबकि मार्को यानसेन और कसिगो रवाडा ने एक एक विकेट झटका। पिच के हिसाब से लग रहा था कि टीम इंडिया ने बढ़िया स्कोर बनाया है। दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दो विकेट सिर्फ 12 रन के अंदर ही गिर गए थे। लगा मैच पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन तभी बीच में स्तंभ की तरह अड़ गए दक्षिण अफ्रीका के 4 टी20 स्पेशलिस्ट। क्विंटन डीकॉक ने 39 रनों की पारी खेली। ट्रिस्टान स्टब्स ने 21 गेंद में 31 रन जड़ दिए। हेनरी क्लासन ने 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बना दिए और डेविड मिलर भी मजबूती के साथ पिच पर खड़े रहे। एक वक्त ऐसा आया जब दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और हाथ में 6 विकेट थे। इसी क्षण भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन फिर आया टीम इंडिया का वो पेस अटैक जिसने सबको चौंका दिया। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने पहले दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर को निशाना बनाया और टीम इंडिया ने 7 रन से टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। रोहित पहले से ही बहुत फेमस है और काफी टैलेंटेड है और उसने काफी सारी मैच खेले हैं और जिताए भी है, तो मेरे ख्याल से रोहित इज द बेस्ट। हाँ, इतने टाइम बाद तो बहुत मजा आ रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल में हारे, वो एक दुख कहीं ना कहीं था। आज वो जो है हमने बदला लिया है वर्ल्ड कप। हाँ, सब कवर अप हो गया, बहुत मजा आ रहा है। विराट कोहली के पास ये इकलौती ICC ट्रॉफी थी जो नहीं थी, आज विराट कोहली के पास वो ट्रॉफी भी आ गई। रोहित शर्मा के भी रन आए, विराट ने भी रन मारे, हार्दिक ने भी अच्छा खेला, तो आज कोई IPL की बात नहीं है, आज बस इंडिया की बात है क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। लेट्स गो। दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने कोशिश की लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके मिशन पर ब्रेक लगा दिया। फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 20 रन देकर 3 विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने 18 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। अर्शदीप सिंह ने 20 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे ट्रिस्टान स्टब्स को वापस पवेलियन लौटाया। दक्षिण अफ्रीकाई पारी की आखिरी गेंद पड़ते ही दुनिया भर में फैले भारतीय टीम के फैंस ने मानो आसमान सिर पर उठा लिया। वनडे वर्ल्ड कप की हार का जो जख्म था उस पर मरहम लगा। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, लग रहा था मानो आज आसमान को धरती पर उतार दिया गया है। क्लासन तोड़ा दिया, उसके बाद हम जीत गए। एंड बुमराह वाज अमेजिंग, बुमराह वाज अमेजिंग। ये मुझे आज का मैच बहुत अच्छा लगा और जो 17 ओवर में जो भी इंडिया ने किया बहुत अच्छा किया और विराट कोहली ने जो बैट्समैन की बैटिंग की आज की बहुत अच्छी, नो डाउट। एंड साथ में जो अक्षर पटेल ने बैटिंग की है, जो इंडिया एंड इंडिया एंड अक्षर इंडिया विराट कोहली एंड अक्षर पटेल की जो बैटिंग थी बहुत अच्छी। बारबाडोस में जस्ट मानो ट्रेलर था, असल पिक्चर तो भारत की सड़कों पर नजर आ रही थी। दिल्ली से लेकर नोएडा तक, पुणे से लेकर प्रयागराज तक, सड़कों पर नाचते गाते फैंस को देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। ये था वो विजय पर्व जिसको भारत तक पहुंचाया रोहित शर्मा एंड कंपनी ने। विश्व कप पर टीम इंडिया का कब्जा सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा और उनके धुरंधर दे गए हैं एक बड़ा पैगाम। जो हार ही नहीं मानता, जीत उसके कदम चूमने को मजबूर हो जाती है।